मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार की शाम करीब 6 बजे जबलपुर पहुंचे। डुमना एयरपोर्ट से सीएम सीधे कलेक्टर दीपक सक्सेना के शासकीय बंगला पहुंचे और उनके पुत्र अमोल सक्सेना के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। इस दौरान सीएम मोहन यादव के साथ लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, विधायक अशोक रूहाणी भी साथ में थे। सीएम करीब 20 मिनट तक कलेक्टर दीपक सक्सेना के निवास पर रुके और फिर सड़क मार्ग से गौतम जी की मड़िया के लिए रवाना हो गए। सीएम ने गौतम जी की मड़िया से पंडा की मड़िया तक रोड शो किया और लोकसभा में मिली ऐतिहासिक जीत पर जनता को धन्यवाद ज्ञापित किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव और राधा कृष्ण की बावड़ी का निरीक्षण भी किया, साथ ही जल मंदिर के संरक्षण हेतु आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के साथ MOU भी साइन हुआ। सीएम मोहन यादव लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के साथ जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत मदन महल पहाड़ी स्थित संग्राम सागर तालाब की साफ सफाई के कार्यक्रम में पहुंचकर हिस्सा भी लिया। सीएम ने करीब 1387 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण भी किया। विधानसभा पश्चिम हमारे अपने राधा कृष्ण की बावड़ी के स्थान पर मैं आया हूं और जैसा कि आप सबकी जानकारी में 5 जून पर्यावरण दिवस से लेकर गंगा दशमी 16 जून तक विभिन्न प्रकार की जल संरचनाओं पे जिनका अच्छा काम हुआ, जिनका संरक्षण अत्यंत आवश्यक है, ऐसे सभी स्थानों से लगा करके लगातार जन जागृति के साथ साथ सभी कुएं, बावड़ी, नदी, तालाब, उनके घाट सबकी जल संरचनाओं पर ध्यान देने के लिए प्रदेश सरकार ने एक अभियान चलाया हुआ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि राधा कृष्ण की इस बावड़ी पर हमारे अपने यहाँ के जनप्रतिनिधि श्रीमान राकेश सिंह जी ने इस स्थान का न केवल जीर्णोद्धार कराया है बल्कि बहुत अच्छी जल रचना को सबके सामने ला करके आदर्श उत्पन्न किया। मेरी अपनी ओर से उनको कोटि से बधाई और इस स्थान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल मंदिर नाम दिया, मैं अत्यंत आनंद के साथ उनको अच्छे कार्यक्रम की बधाई देता हूं। इस अवसर पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपने सारे मित्रों ने जो जो अच्छे काम किए उनका एक तरह से सोशल ऑडिट भी हो, समाज के सामने भी वो आए और इससे बाकी लोग प्रेरणा लें। एक अच्छे गढ़ा क्षेत्र में राधा कृष्ण मंदिर पर ये सुंदर स्थान बना, ऐसे और जो जो स्थान है वो सब जीवंत हो, ये हम सबकी इच्छा है। और इस भावना से जैसे कि हमारी परंपरा है, हमारे यहाँ प्रत्येक त्यौहार के साथ उसके मौसम के अनुकूल आवश्यकता के साथ जुड़े गए प्रकल्प भी है, इसलिए गर्मी के समय जल की कीमत सबको मालूम पड़ती, जल ही जीवन है। ऐसे में गंगा दशमी को निमित्त बना करके लगभग 3066 करोड़ के अलग अलग कामों को हमारी सरकार भी प्रदेश भर में कर रही है और उसी में इसी प्रकार के आयोजनों को जोड़ते हुए इसको जीवंत करने का प्रयास किया। जबलपुर की इस जल मंदिर की रचना अपने आप में बहुत अनूठी है, ऐसे में एक कूड़ेदान में बदली हुई बावड़ी एक सुंदर जल स्थान में बदली है, ये बाकी को प्रेरणादायी है। मेरी अपनी ओर से माननीय राकेश सिंह जी को और सब मित्रों को बधाई। इस बात के लिए हमारी प्रदेश सरकार के अभियान की जानकारी देना चाहूँगा। पीछे देखना, पीछे पूरे प्रदेश में जल गंगा संरक्षण संवर्धन अभियान चल रहा है जिसके माध्यम से हमारे नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी, चौपड़े या जल संरचनाएं जिनके आधार पर हम सबके लिए पुराने समय से पृथ्वी भूगर्भ में जल जाता था वो सारी रचनाओं को पुनर्जीवित करने का ये अभियान चल रहा है और ये गंगा दशमी के अभियान तक चलेगा। मेरी अपनी ओर से गंगा माता को समर्पित अभियान के पूरे प्रदेशवासियों को बधाई। जबलपुर में अद्भुत काम हुआ है, अलग अलग प्रकार से मैं सारे कामों को देख ले रहा हूँ, यहाँ काम चल भी रहा, जनता जुड़ी हुई है, मैं सबको बधाई दे रहा हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम पलपल, इंडिया न्यूज़।